पैर दबाकर संत बने, गला दबाकर महंत, कुछ यूं बताया गया रामदेव का सच। जिस तरह धीरू भाई अंबानी के कारनामों पर लिखी किताब द पॉलिएस्टर प्रिंस देश के बुक स्टॉल से गायब हो गई, उसी तरह बाबा रामदेव पर लिखी गई नई किताब गॉडमैन टू टाइकून भी बाजार से जल्द लापता हो सकती है। कई साल से बाबा रामदेव पर रिसर्च कर रही अंग्रेजी पत्रकार प्रियंका पाठक नारायण ने इस किताब में बाबा के वो भेद खोले हैं जो पतंजलि के समर्थकों को स्वीकार नहीं होंगे। प्रियंका कहती हैं कि इस किताब के लिए सबूत जुटाते वक्त उन्हें ऐसा महसूस हुआ किया कि हाथ से बाबा का लगातार पीछा कर रहे थे। उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने के सफर में हादसों का अहम किरदार है। न जाने क्यों जिस गुरुवार से बाबा रामदेव कुछ भी गुर सीखते, वो ही गुरुवार उनकी अद्भुत जीवन यात्रा से गायब हो जाता है। बहरहाल इससे पहले कि ये किताब गायब हो, आइए इसमें किए गए खुलासों पर गौर करें। हमेशा के लिए गायब हुए गुरुवार। बाबा रामदेव के 77 वर्षीय गुरुवार शंकर देव एक दिन गए अचानक सुबह सैर करते वक्त गायब हो गए। गुरुवार शंकर देव ने ही हरिद्वार में बाबा रामदेव को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और उसकी अरबों रुपए की जमीनें दान की थीं। जिस वक्त गुरुवार शंकर देव जुलाई 2007 में गायब हुए, उस वक्त रामदेव ब्रिटेन की यात्रा पर थे। लेखिका प्रियंका अपनी किताब में लिखती हैं कि इतने बड़े हादसे के बावजूद बाबा ने विदेश यात्रा बीच में नहीं रोकी। वो 2 महीने बाद स्वदेश लौटे। पुलिस ने जब मामले की गहराई से छानबीन नहीं की तो 5 साल बाद यानी 2012 में गुमशुदगी की इस घटना की जांच सीबीआई को दी गई। अब तक जांच जारी है, पर रामदेव के गुरुवार शंकर देव के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। बाबा को आयुर्वेद दवाओं का लाइसेंस देने वाले स्वामी योगानंद की रहस्यमयी हत्या। बाबा रामदेव के मित्र और आयुर्वेद के जाने माने वैद्य स्वामी योगानंद की हत्या भी कम रहस्यमयी नहीं है। स्वामी योगानंद ने ही बाबा को आयुर्वेद दवा बनाने का लाइसेंस 1995 में उपलब्ध कराया था। बाबा रामदेव 8 वर्षों तक योगानंद के लाइसेंस पर ही आयुर्वेद की दवा का उत्पादन करते रहे। 2003 में बाबा रामदेव ने योगानंद के साथ साझेदारी खत्म की। साल भर बाद योगानंद का शव उनके घर में खून से लथपथ मिला। 2005 में हत्या की जांच बंद कर दी गई। बाबा के स्वदेशी आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजीव दीक्षित की संदिग्ध मौत। प्रियंका पाठक की किताब बाबा के जीवन से जुड़े हर रहस्य की परतें उधेड़ने का प्रयास करती है। प्रियंका लिखती है कि बाबा को आयुर्वेद के व्यापार से लेकर स्वदेशी के नारे तक का रास्ता राजीव दीक्षित ने दिखाया था। आज जिस व्यापक रूप में बाबा का विशाल बाजार खड़ा है, उसका ब्लूप्रिंट दीक्षित ने तैयार किया था। बाबा के साथ एक राजनीतिक दल गठित करने वाले दीक्षित 2010 में एक कार्यक्रम कर रहे थे, तभी बाथरूम में उनकी मौत हो गई। ऐसा कहा गया कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। अगले दिन दीक्षित के चेहरे का जब रंग बदलने लगा तो कोई 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने लिखित रूप से दीक्षित के शव का पोस्टमार्टम करने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दीक्षित का दाह संस्कार कर दिया गया। प्रियंका ने इस किताब में महाराज कर्मवीर का जिक्र भी किया है। कर्मवीर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष थे। मार्च 2005 में ट्रस्ट के व्यवसायीकरण को लेकर कर्मवीर का रामदेव से विवाद हुआ और वे अलग हो गए। इसी तरह 2009 में बाबा रामदेव का आस्था टीवी के संस्थापक सदस्य किरीट मेहता से भी विवाद हुआ। मेहता के प्रयास से ही बाबा रामदेव को आस्था टीवी के जरिए नाम मिला था। प्रियंका एक अंग्रेजी वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में कहती हैं कि बाबा के अरबों रुपए के साम्राज्य में ऐसी अनेक कथाएं दबी पड़ी हैं जिनके बारे या तो रामदेव जानते हैं या उनके सहयोगी बालकृष्ण। बाबा की सफलता का सच जो भी हो, पर ये साफ है कि आज बाबा योग और आयुर्वेद के ग्लोबल ब्रांड हैं और साइकिल से चार्टर प्लेन तक की उनकी शिखर यात्रा प्रधानमंत्री मोदी से कम चौंकाने वाली नहीं है।